कि 2023 में तेजस्वी यादव जो है वो बिहार की गद्दी पर काबिज होंगे और नीतीश कुमार जो है वो अब दिल्ली का रुख करेंगे। 24 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। कि ललन सिंह अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो वो जुबान ललन सिंह की होती है लेकिन बातें नीतीश कुमार की होती है। उसी तरह जगदानंद सिंह अगर कुछ बोल रहे हैं तो जुबान जगदानंद सिंह की है, बातें जो हैं वो लालू प्रसाद यादव की। राजद सीधे तरीके से इस बात को मानने से इनकार कर रही है कि बहुत लंबे समय तक नीतीश कुमार उनके नेता बने रहेंगे। और ये वार्निंग है, 5000 से अधिक की भीड़ अगर उनकी पार्टी में कोई एक नेता जुड़ा सकता है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार। जेडीयू में कोई लाइन नहीं है, वहाँ पार्टी शुरू भी होती है नीतीश कुमार से और खत्म भी होती है नीतीश कुमार पर हो जाती है। बीजेपी रहेगा तभी तो हिंदू मुस्लिम होगा, तभी तो मुस्लिम वोट पोलराइज होगा और आरजेडी को मिलेगा, तभी तो समाजवाद की बात कर पाएंगे, तभी तो राजपूत और भूमिहार का डर दिखा पाएंगे दलितों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मेरा नाम अमृतेश शर्मा है और हमारे साथ है उदित आर्यन जी। बिहार की राजनीति में एक सियासी भूचाल आ गई थी कुछ दिन पहले जब जगदानंद सिंह का एक बयान आया कि 2023 में तेजस्वी संभालेंगे बिहार के कमान और नीतीश कुमार रुख करेंगे दिल्ली की, और ये चर्चा आम जनमानस में शुरू हो गया है कि आखिर महागठबंधन की सरकार कब तक बिहार में चलेगी। और इसी चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ है उदित आर्यन जी। उदित जी, जगदानंद का ये बयान, जगदानंद कद्दावर नेता है आरजेडी का और उसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व है, अगर वो ये बयान देते हैं। जगदानंद सिंह के इस बयान से पहले आप हमारे दर्शकों को अमृतेश ये समझना होगा कि जगदानंद सिंह, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, कई बार मैंने ऑन कैमरा ये बात कहा है कि ललन सिंह अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो वो जुबान ललन सिंह की होती है लेकिन बातें नीतीश कुमार की होती है। उसी तरह जगदानंद सिंह अगर कुछ बोल रहे हैं तो जुबान जगदानंद सिंह की है, बातें जो हैं वो लालू प्रसाद यादव की हैं। समझिए, जगदानंद सिंह कोई हवा में बोलने वाले व्यक्ति नहीं है। पहली तो बात कि अगर हमारे दर्शक पता नहीं कितना इससे अवगत होंगे, हम लोग तो अवगत हैं, सबसे मुश्किल अगर किसी का बयान मिलना होता है तो जगदानंद सिंह का। आप आरजेडी कार्यालय चले जाइए, प्रदेश अध्यक्ष के कक्षा में वो बैठे रहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से ये संभव होता है कि जगदानंद सिंह का कोई बाइट मिल जाए, कोई बयान मिल जाए। समझिए, तेजस्वी उनसे ज़्यादा इजली बयान दे देते हैं, अगर माइक लगा दिया जाए तो तेजस्वी यादव ज़्यादा आसानी से बोलते हैं। तो जगदानंद सिंह अगर ये बात बोले, और ज़्यादा दिन पहले नहीं, 2-3 दिन पहले का ही, इसी दशहरा का प्रकरण है ये सब, और उसके बाद आरजेडी एक पत्र भी जारी, वो खुद जारी करते हैं कि नीतीश कुमार के अगेंस्ट में कोई अब बयानबाजी नहीं करेगा, अगेंस्ट में नहीं, नीतीश कुमार पर कोई बयान ही नहीं करेगा, ये बोला। अब समझिए, जगदानंद सिंह अगर ये बात कह रहे हैं तो देखिए, बार बार इसकी चर्चा मीडिया के गलियारों में हुई, हमने भी वो खबर अपने दर्शकों को पहुंचाया कि जगदानंद सिंह उस डील, जो डील हुआ था नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच, उस डील का भंडाफोड़ कर दिए, और ये बयान उन्होंने सार्वजनिक तरीके से नहीं दिया, एक मीडिया चैनल में बाइट देते देते वो बोल गए, और जब बोल गए तो फिर उस बात पर वो अडिग हो गए, और जब वो अडिग हुए तो उनके बाद रीतलाल यादव का और कई बड़े बड़े नेताओं का राजद में बयान आने लगा कि हाँ ये बात सही है कि 2023 में तेजस्वी यादव जो है वो बिहार की गद्दी पर काबिज होंगे और नीतीश कुमार जो है वो अब दिल्ली का रुख करेंगे। मतलब सीधे तरीके से समझिए, जिस दिन 9 अगस्त को ये महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसी दिन से जो तमाम सीनियर पत्रकार हैं, जो तमाम राजनीति को समझने वाले हैं, जो पॉलिटिकल पंडित कहलाते हैं, वो ये बात कहने लगे दबी जुबान में कि अब तेजस्वी यादव से बिहार की गद्दी ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए, भाजपा और जदयू जब तक साथ रहेगी, तेजस्वी के लिए गद्दी पाना लगभग नामुमकिन है, असंभव तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन लगभग, करीब करीब नामुमकिन है। समझिए, अब समझिए, एक और इसमें जो वाक्य है वो समझना होगा अमृतेश, भाजपा, अब एक सवाल ये भी उठता है कि भाजपा आखिरकार अपनी सरकार बिहार में क्यों नहीं बना पाई। देखिए, इसका कारण है, भाजपा के पास 32 विधायक कम रहे थे मैंडेट पाने के लिए, और 32 विधायकों को तोड़ना किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है, खासकर जेडीयू या आरजेडी से तोड़ना बीजेपी के बस में नहीं है, बिहार है। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ जो एडवांटेज है, जो लेवरेज है उनके साथ, वो ये है कि उन्हें बस 2-3 विधायक ही तोड़ना है, अगर 2 विधायक वो तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं, जो कि आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। और देखिए, 23 कहा गया है, 23 एक सिंबॉलिक फिगर है, एक सिंबॉलिक यूनिट है, वो नंबर दिया गया है कि 2023 एक साल, अगले साल का बात है, लेकिन आप मान कर चलिए कि तेजस्वी यादव बहुत शीघ्र हो सकता है खरमास के बाद या खरमास के पहले तक भी हो सकता है कि बिहार में तख्ता पलट। देखिए, सरकार जो है ये एक बात तो मानना ना होगा, आप रात तक किसी को पूरा गाली दे रहे हैं, अचानक सुबह उठते हैं, जाके गला मिल जाते हैं, सरकार बना लेते हैं। मतलब आपका कहना है कि 23 डेडलाइन है। हाँ, डेडलाइन है, 23 डेडलाइन है, ये कभी भी हो सकता है, 24 नहीं जाएगा, ईमान कर चले, 24 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, ये पक्की बात है। मुख्यमंत्री का
जो क्राउन होता है ना वो तेजस्वी यादव के सर पर ही जाना है, ये पक्की तौर पर मान लिया जाए। अब समझिए इस बात को, डील यही हुआ होगा कि हम बिहार में सपोर्ट करेंगे किसको, नीतीश कुमार को। ये बात लालू यादव कहे होंगे कब, 2024 में, कि 24 में आपको प्रधानमंत्री बनना है या विपक्षी एकता करना है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बिहार में उनकी पार्टी जेडीयू से लगभग तिगुना बड़ा जनाधार राजद का है, इसमें तो कोई इबट नहीं है। अगर आज पूछा जाए कि भाजपा के कोर वोटर्स कौन हैं, तो कुछ जातियाँ हैं जिनको गिना जा सकता है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, कायस्थ है, राजपूत है, सवर्णपुरी ले लीजिए आप, बनिया हो गए, लोहार हो गए, बढ़ई हो गए, ये तमाम जातियाँ जो हैं, और ईबी से भी कुछ जातियाँ वो बीजेपी के साथ हैं, दलित में भी कुछ जातियाँ हैं जो इनके साथ हैं। अगर चिराग पासवान आते हैं तो पूरा दूसरा दिन के साथ चला आएगा, समझिए। अगर पूछा जाए कि राजद के साथ कौन कौन पार्टियाँ हैं, तो माफ़ कीजिए कौन कौन जातियाँ हैं, समीकरण क्या है उसका बिहार में, तो आप बच्चा भी बता देगा कि मुस्लिम और यादव तो पूरी तरह इनके साथ हैं, है ना। लेकिन अगर कोई पूछे कि जेडीयू के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो क्या कॉम्बिनेशन बनता है, लवकुश समीकरण यही ना बनता है। तो लवकुश की आबादी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी MY की है, और जितनी सवर्ण और अति पिछड़ा और दलित को जोड़ दिया जाए तो वैसी स्थिति में ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बिना भाजपा या फिर बिना राजद, किसी एक के सपोर्ट के बिना हमारा नैया पार नहीं लगेगा। और उनका तो ऐसा देखा गया कि जेडीयू का हमेशा वोट प्रतिशत गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। 2010 में 115 सीट, 2015 में 80 सीट, और 2020 आते आते 43 सीट पे आ गए, अभी 45 के आसपास है, 2 सीट और बढ़ा है इनका। तो इसी इस गणित के हिसाब से भी समझना होगा कि 2024 में अगर नीतीश कुमार अपना बिहार का गद्दी कुर्बान ही कर दे रहे हैं और लालू को उनको सपोर्ट मिल जा रहा है, तो भले ही दिल्ली में सरकार बने ना बने, लेकिन बिहार में तो भाजपा को ये पछाड़ देंगे मिलकर, क्योंकि 2014 लोकसभा का भी अगर आप RJD और JDU का जोड़िएगा वोट, तो वो बीजेपी से अधिक था। मतलब उस समय भी बीजेपी को उतनी सीटें नहीं आई होती अगर ये साथ में लड़े होते, तो जो मोदी का पूरा लहर था। तो यही दृष्टिकोण से नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया, लेकिन नीतीश कुमार ये भूल गए कि भाजपा और राजद में अंतर है, चरित्र में अंतर है दोनों पार्टियाँ की। भाजपा अंतिम समय तक, मुझे याद है कि जो 29 और 30 जुलाई को जो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक हुई थी 3 दिवसीय पटना में, लगभग सभी प्रकोष्ठ की बैठक थी, उसके बैठक के बाद भी जब बाहर निकले थे तो गिरिराज सिंह का ऑन रिकॉर्ड बयान था कि 24-25 ही नहीं, 29 और 30 के लिए भी हमारे नेता नीतीश कुमार। लेकिन आप खुद सोचिए कि जगदानंद सिंह का इतना बड़ा बयान आया, तेजस्वी ने क्या उस बयान का खंडन किया, तेजस्वी ने उस बयान का खंडन नहीं किया। तेजस्वी ने कहीं नहीं कहा कि जगदानंद सिंह गलत बोल रहे हैं, तेजस्वी ने कहीं नहीं कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार 2024 और 25 में रहेंगे। इसका मतलब आप समझिए कि राजद सीधे तरीके से इस बात को मानने से इनकार कर रही है कि बहुत लंबे समय तक नीतीश कुमार उनके नेता बने रहेंगे, और ये वार्निंग है जेडीयू के लिए। अब जेडीयू क्या इस पर, और देखिए बहुत लेट अब राजद नहीं करेगी, इसलिए नहीं करेगी कि अगर लेट करती है तो जेडीयू कहीं प्लान बी मत तैयार कर ले अपने लिए, मतलब नीतीश कुमार और ललन सिंह का जो गुट है वो अपने लिए प्लान बी तैयार मत कर ले। इसलिए बहुत आनंद फानंद में ये डिसीजन लिया जाएगा, और देखिएगा रातों रात अचानक कैसे 9 अगस्त को अचानक तख्ता पलट हुआ, उसी तरह फिर तख्ता पलट हो सकता। तो फिर जेडी के लिए कौन सा पार्टी सबसे ज्यादा ये मतलब बनेगी उसके रास्ते का कांटा, डैमेजिंग या तो बीजेपी या जेडी, ये बहुत रेलिवेंट सवाल है आज के पॉलिटिक्स में। देखिए इस बात को समझना होगा आपको कि 90 के दौर से, जब से अगर आप बिहार के पॉलिटिक्स को देखिए और समझिए अमृतेश, तो आपको ये बात समझ में आएगा कि जो कोर वोटर थे आरजेडी के, जो टूटे उनसे, भाई टूटने के बाद ही ना इतना कम सीट आ रहा है उनको, अगर वो पूरे वोटर उनके साथ रहते तो आज भी वो रूलिंग पार्टी रहती बिहार की, लेकिन कुछ वोटर छटका है उनका, कुछ प्रतिशत छटका है, वो कहाँ गया, उनके वोटर कौन कौन थे। नीतीश कुमार की जब सरकार बनती है 2005 में, ये पिछड़ा अति पिछड़ा को तोड़ते हैं, ये दलित महादलित को तोड़ते हैं, वो तोड़ना कहाँ काम हुआ, वो सोशल इंजीनियरिंग की जो ये बात करते हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग का फायदा किसको मिला, जेडीयू को, उसका नुकसान किसको मिला, आरजेडी को। आज अगर आरजेडी के पास से दलित और महादलित के नाम पे वोट छटक गया तो वो वोट गया नीतीश कुमार के पाले में। आज अगर पिछड़ा और अति पिछड़ा के नाम पर लालू यादव का वोट छटका तो वो वोट गया कहाँ, वो गया जेडीयू को। बीजेपी को ना नफा ना नुकसान, बीजेपी को बस यही था कि किसी तरह आरजेडी को बिहार से हटाना है, आरजेडी बीजेपी का यही मिशन था, लेकिन नीतीश कुमार को गद्दी पाना था और उनके पास अपना कोई आधार वोट बहुत मजबूत था नहीं, तो जितने भी वोट टूटे हैं वो आरजेडी से ही खिसक कर गया है जेडीयू में। और अब एक बार जान लीजिए, अगर जेडीयू भविष्य में, चूंकि देखिए नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनका ही एक बयान आपको याद होगा जिन्होंने कहा था कि 5000 से अधिक की भीड़ अगर उनकी पार्टी में कोई एक नेता जुटा सकता है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार, उनके अलावा किसी नेता में काबिलियत नहीं कि 5000 का भीड़ जुटा सके। तो ऐसी स्थिति में जो देखिए हर पार्टी में कैडर होता है, एक कैडर, बी कैडर, सी कैडर, लीडर्स का सबसे केंद्र नेतृत्व, सबसे जो सुपीरियर है, फिर उसके नीचे फिर थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन चलता है। जेडीयू में कोई लाइन नहीं है, वहाँ पार्टी शुरू भी होती है नीतीश कुमार से और ख़त्म भी होती है नीतीश कुमार पर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर
जेडीयू का भविष्य का बात कीजिए, तो जेडीयू का क्या भविष्य है? या तो वो आरजेडी में विलय करेगी या पार्टी पूरी तरह टूट जाएगी, तो उसका जो फायदा है वो डायरेक्टली मिलेगा आरजेडी को। तो आपका जो सवाल है वो बहुत रेलेवेंट सवाल है कि आरजेडी को बड़ा नुकसान किससे, तो बड़ा नुकसान उसे हमेशा जेडीयू से रहा है। बीजेपी तो भाई बीजेपी उसके लिए अमृत है, बीजेपी आरजेडी के लिए अमृत है। बीजेपी रहेगा तभी तो हिंदू मुस्लिम होगा, तभी तो मुस्लिम वोट पोलराइज होगा और आरजेडी को मिलेगा, तभी तो समाजवाद की बात कर पाएंगे, तभी तो राजपूत और भूमिहार का डर दिखा पाएंगे दलितों को। ये पूरी जो राजनीति है बिहार में ये किसके बदौलत चल रही है? बीजेपी के बदौलत चल रही है। गिरिराज सिंह अगर टीक का बात नहीं करेंगे तो कैसे उसकी प्रतिक्रिया दे पाएंगे लालू प्रसाद यादव? तो बीजेपी बहुत बड़ा डेंजर नहीं है, बीजेपी से तो फाइट करना चाह रही है आरजेडी, लेकिन बीच में नीतीश कुमार एक ऐसे कड़ी हैं जो कभी बीजेपी के साथ कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ कभी आरजेडी के साथ, और यही कारण है कि दोनों से पेच फंस जा रहा है जाकर, सीधा जो फाइट है ना वो हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन ये अब मानकर चलिए कि 2025 का बिहार विधानसभा स्ट्रेट फाइट होगा आरजेडी वर्सेस बीजेपी। 2024 नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट क्या? 2024 में मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि सबसे पहले जो व्यक्ति इनके रास्ते का कांटा बनेगा, ऑब्स्टेकल बनेगा, वो लालू प्रसाद यादव ही होंगे। लालू प्रसाद यादव कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि नीतीश कुमार पीएम बने? मैंने बार बार कहा है, ऑन रिकॉर्ड मेरा वीडियोस पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। और अब मान कर चलिए इस बात को कि लालू यादव क्यों एक्सेप्ट करेंगे? भाई लालू यादव इनसे बड़े कद के नेता हैं। आज भी अगर लालू यादव गांधी मैदान में खड़ा हो जा रहे हैं, व्हील चेयर पर बैठ जा रहे हैं ना, तो इनसे अधिक भीड़ जुट जाएगा उनके लिए। तो जन नेता तो वही है, तो लालू यादव क्यों इनकी क्रेडिबिलिटी पे एक्सेप्ट करेंगे कि नीतीश कुमार बन जाए पीएम? सिर्फ इनको पुत्र मोह है, सिर्फ इनको तेजस्वी यादव को गद्दी में बैठा देना है, उनकी ताजपोशी कर देनी है, बस इतना ही लालू यादव का मिशन है। इसके चलते वो अभी तक राजनीति में टिके हुए हैं, नहीं तो वो व्यक्ति संन्यास ले लिया होता, उसको जो करना था वो कर चुका अपने जीवन में। तो क्या होगा 2024-2025? क्या बिहार को एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा मिलेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें